जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर, डेली का राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके सितारे? तो आइए सबसे पहले आपको आज के जो ग्रह गोचर हैं, ग्रह गोचर यानी आसमान में स्थित ग्रह किस किस राशि में बैठे हुए हैं उनकी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले सूर्य देव जो है वो मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है। शुक्र देवता जो है वो वृष राशि में अपने घर में विराजमान है, बहुत स्वस्थ हैं। राहु महाराज जो है वो मिथुन राशि में विराजमान है। जो केतु महाराज है वो धनु राशि में विराजमान है। मकर राशि में एक नहीं इस समय तीन तीन ग्रह विराजमान हैं, खुद अपने घर में शनि देव, मंगल देवता खुद शनि देव के घर में बैठकर उच्च के हो रखे हैं इस समय, बृहस्पति देवता मकर राशि में बैठकर यहाँ नीच भाव में प्रवेश कर गए हैं, और जो मीन राशि है उसमें बुध देवता नीच के होकर विराजमान है। साथ ही इस समय तक जो आज की ब्रह्मकालीन कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा भी मीन राशि में ही विराजमान है। तो यह है आपके ग्रह गोचर जिनके अनुसार ही आपका पूरा दिन व्यतीत होने वाला है। अलग अलग राशियों का वो सब कुछ इन्हीं नौ ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि परम पिता परमात्मा की सत्ता को चलाने वाले यही नवग्रह देवता हैं। इनकी मर्जी के बिना इस सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता है। परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को चलाने की सारी जिम्मेवारियां इन्हीं नवग्रह देवताओं के यानी अपने नौ मंत्री जो हैं ये सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु इनको ही दे रखी है। ये अटल सत्य है। आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल सभी लोग कोरोना नाम के भयंकर वायरस की वजह से परेशान है। इस सृष्टि का कण कण से प्रभावित हो रहा है। जब हमने इसकी खोज की तो स्पष्ट रूप से नजर आया कि कोरोना की फॉर्मेशन कैसे हुई, क्या हुआ था उस दिन, किस दिन इसका निर्माण हो गया, किस संयोग के कारण ये बने हैं। इसके लिए हमने अपने तीन वीडियो कोरोना के ऊपर बना रखे हैं। आप हमारे चैनल में जाके कोरोना डाल के या हमारे नाम से कोरोना डालकर आप देखेंगे तो आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि सनातन हिंदू धर्म के अनुसार ये बने कैसे, इस कोरोना वायरस का निर्माण कैसे हुआ, क्या कारण थे कि ये महामारी की जगह पर ही तो निर्माण हुआ था जहां लोगों की अकाल मृत्यु का योग बना हुआ था, वो कैसे निर्माण हुआ, वो एक एक पल की जानकारी के साथ आपको वहाँ उस वीडियो में दी गई है। उसे देखिएगा और अपना ज्ञान वर्धन अगर संभव है तो करने का प्रयास करिएगा। तो बात करते हैं आप लोगों की, एक जो रिक्वेस्ट हमको आई हुई है, आपने हमसे बार बार निवेदन किया है कि हम ऐसी कोई व्यवस्था करें जिसके द्वारा आप हमें फ्री में उपाय बता सकें। तो उसके लिए हमने शनि मंदिर की तरफ से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किए। उस मोबाइल ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसका जो लिंक है, वो हम अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, उसी का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर स्वामी प्रिंस ऋषि अपने एक असिस्टेंट साधक और एक असिस्टेंट साधिका के साथ आप लोगों को आपकी परेशानियों का जो उपाय है वो निःशुल्क बताते हैं। आपको उसके लिए किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली उपाय मिल जाएंगे। और उनमें से कुछ लोगों को जो हमें लगता है कि उनके उपाय के जवाब हमें ही देने चाहिए, तो हम अपने जो असिस्टेंट हैं उनके द्वारा आपसे संपर्क स्थापित करते हैं और आपको मदद पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 22 अप्रैल 2020 अमावस्या तिथि है। कृष्ण पक्ष की वैशाख मास चल रहा है। आज बुधवार का दिन है। आसमान में जो योग बनता था ब्रह्मकालीन मुहूर्त में वो विश्वकुंभ योग बना हुआ है आज, और जो नक्षत्र उदय हुआ है
वो रेवती नामक नक्षत्र का उदय हुआ है। राहु काल जो रहने वाला है वो 12:19 दोपहर में से लेकर 1:57 तक राहु काल रहने वाला है। इस राहु काल के दौरान आप किसी भी प्रकार के शुभ कर्मों से बचें, यही हमारी आपको सलाह है। यहाँ आप लोगों की सुविधा के लिए एक और बात बता दूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो हमने आपके लिए आपकी जन्म कुंडली के विभिन्न वो फॉर्मेशन को देखते हुए कुछ जो वरदान हैं, जो आपने कभी किसी जन्म में पूजा पाठ किया होगा, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसके फलस्वरूप परमपिता परमात्मा ने आपको कुछ वरदान दिए हुए हैं। उन वरदानों का आप खुद अपनी जन्म कुंडली देखकर निर्णय कर सकते हैं कि मुझे ये वरदान मिला हुआ है, और उसकी आदतें जो है आपकी, उस जो वरदान की व्याख्या है आपको खुद ही पता चल जाएगा, हाँ ये वरदान मुझे मिला हुआ है। या अगर आपने कोई पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण या इस जन्म के पाप के कर्मों के कारण अगर आपके कोई शाप मिला हुआ है, तो उस शाप का भी लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, मतलब वरदान के भी अलग अलग बहुत सारे हमारे 35-40 वीडियो हैं, और ऐसे ही शाप के बारे में भी हमने 35-40 वीडियो तकरीबन बना रखे हैं विभिन्न शापों के बारे में। तो आप उन वीडियो को, जिनका स्क्रीन पर डिटेल आ रही है, इन वीडियो को आप देखकर अपनी कुंडली में स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं कि ये वरदान आपको है या ये शाप आपको है या नहीं। तो आप बिना किसी झिझक के हमारी वीडियो देखकर अपनी कुंडली में जो आपको वरदान या शाप बना रखे हैं उन पर ज्ञान हासिल कर सकते हैं और समय अनुसार फायदा भी उठा सकते हैं। और अब मैं आपसे उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी नई वीडियो का। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगता है, या बुरा लगता है तो भी कमेंट करें, और अपने रिश्ते और नातेदारों से, मित्रों से इस वीडियो को शेयर अवश्य करें जो आपको प्रभावित करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, जैसा कि आप जानते हो, आपके राशि के जो मालिक हैं वो आपके भाग्य में बैठकर आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से सफलता आपके साथ होगी। और सफलता ही नहीं होगी, कोई खुशखबरी, किंतु बात करते हैं उन युवक युवतियों या उनके माँ बाप से जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं किंतु उनसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा। तो ऐसे सभी युवक युवतियां या उनके माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए, अगर बार बार उनको अड़चन आ रही है किसी एग्जाम को क्लियर करने में, तो निश्चित रूप से उनकी कहीं ग्रहों में चेक कराना चाहिए, उनकी जन्म कुंडली चेक कराना चाहिए कि उनकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। अगर सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो मैं तो क्या, परमात्मा के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा इस स्थिति में। ऐसे केस में आपको अपना जो फोकस है किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, और आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम, ताकि आपका फोकस दूसरी तरफ डाइवर्ट होकर आप उस लाइन में सक्सेसफुल हो सके। किंतु जिन लोगों का कमजोर योग है, यानी 5-10% सरकारी नौकरी का योग बना हुआ, तो उस योग को अवश्य ही मजबूत करके आपको सरकारी नौकरी की तरफ धकेला जा सकता है। और बात करते हैं उन माँ बापों की जिनकी संतान एकदम निकम्मी है, जो अपने माँ बाप का अपमान करती है, बेइज्जती करती है, अनादर करती है। ऐसे सभी माँ बाप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हम छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय के द्वारा आप और आपके संतान के बीच में आ रही समस्याओं को दूर करेंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जादू टोना टोटका इत्यादि नहीं किया जाता है, ये केवल प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय होते हैं। एक साल में शायद एक बार या दो बार आपको एक छोटा सा उपाय करना है, उसे करने से आपके और आपके जो संतान है उसके बीच जो परेशानी आ रही है, जो प्यार की कमी हो रही है, वो धीमे धीमे करके ठीक होने लगेगी। तो आप बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या स्वयं मिलकर अपनी इन सभी समस्याओं को स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर
या स्वयं मिलकर दूर कर सकते हैं। बात करते हैं परिवारजनों के साथ आपके संबंध, वहां पर थोड़ी सी अड़चन आपको अवश्य आई हुई है। आपको उनके साथ विशेषकर स्त्रियों के साथ झगड़ा नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो भाई बहनों की सलाह लेकर अगर आप अपने कार्यस्थल, चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, आप बदलाव करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। बात करते हैं माता के साथ आपके संबंधों की, तो माता के साथ कुछ अड़चने आ रखी है स्वास्थ्य से संबंधित, आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जीवन साथी के साथ भी आपकी कुछ अड़चने आई हुई हैं, तो आपको उनकी बीमारी पर, अपनी बीमारी पर और माता की बीमारी, इन तीनों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस समय ख्याल रखना है। समय आपके लिए इस मसले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर आप योग चिकित्सक से मिलिए। बात करते हैं आपके शत्रुओं की, तो इस समय आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आपको उनसे अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप उनसे सावधान नहीं रहेंगे तो वो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं आने वाले समय में। अगर आप इन शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या इन शत्रुओं से पार नहीं पा पा रहे हैं, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से छोटे से उपाय करके, जो आपने ज्यादा नहीं साल में एक या दो बार करने होते हैं, उन उपायों के द्वारा आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें, वीडियो कॉल के द्वारा, फोन कॉल, ईमेल या स्वयं आकर हमसे मिल सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि वाले, उनका मन जो है वो विचलित है, वो पढ़ाई लिखाई की तरफ कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। जबकि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो क्या आप सड़क पर सब्जी की ठेली लगाएंगे? अरे अपना कैरियर बनाने का प्रयास करिए भाई, तभी तो आप अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे आगे चलकर। तो मैं बात करता हूं उन माँ बाप से जिनके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, तो ऐसे माँ बाप या ऐसे स्टूडेंट्स बिना किसी झिझक के अपनी जन्म कुंडली स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमें दिखाएं, हमसे कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट रखें। हम आपकी जन्म कुंडली देखकर एक छोटे से वैदिक उपाय के द्वारा न सिर्फ आपके पिछली साल से अगली बार ज्यादा नंबर आएंगे, अपितु आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। यह वैदिक उपाय आपको साल में केवल एक बार करने होते हैं। बात करते हैं जीवन साथी के साथ। जीवन साथी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। नॉर्मल रूप में जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, आपके जीवन साथी और आपके बीच में आ रहे तनाव की, लड़ाई झगड़ों की, जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लड़ाई झगड़ों को कंट्रोल करने के लिए अपने जो जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, अपने घर परिवार में खुशियां लाने के लिए, आप जीवन साथी से संबंधित रतन की एक अंगूठी मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर अवश्य ही अपने हाथ में धारण करें। ऐसा करने से जीवन साथी और आपके बीच में नए सिरे से प्रेम संबंधों में सुधार होगा, आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी। जय शनिदेव, मैं नेहा, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक फिल्म मेकर और एक एक्ट्रेस हूँ। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, आजकल प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, पर हम उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन फिर जब हम सारी जगह से हार जाते हैं और फिर हमारी भगवान मदद करता है, वो ऊपर वाला, उसकी वजह से आज मैं गुरु रजनीश ऋषि जी के संपर्क में आई। मैंने उनकी वीडियोस देखी, जब देखा कि लोगों ने इतना उनकी उपाय से फ़ायदा उठाया है, मेरी इच्छा प्रकट हुई कि मैं एक बारी उनसे मिल के देखूँ और एक बारी बात करके देखूँ। बिजी शेड्यूल के कारण मैं मिल नहीं पा रही, तो मैंने उनसे वीडियो कॉल पर अपॉइंटमेंट लिया था और मेरी अपॉइंटमेंट मैंने ली थी गुरु माँ रुक्मणी जी से। उन्होंने मेरा वीडियो कॉल पे सारा का सारा मेरी प्रॉब्लम्स को समझा, मुझे उपाय बताए और फिर उन्होंने मेरे को ये
राशि के अनुसार मुझे ये रिंग्स पहनने के लिए कही। जब से मैंने ये रिंग्स पहनी है अभी मुझे सिर्फ 15 दिन हुए हैं, और सीरियसली मैं बताऊँ आपको, प्रॉब्लम्स काफ़ी थी, हैं भी, लेकिन पहले से मैं अपने प्रॉब्लम्स में बहुत कमी पा रही हूँ। और मुझे, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है मेरे ही नाम से, नेहा डियालानी के नाम से, तो आप वो जाके देख भी सकते हैं। मेरा चैनल जब मैंने देखा, मैंने उस पर वीडियोस डाली हुई थी कुछ महीने पहले, अब मैंने जब देखा उसको तो मेरे उस पर व्यूज़, मेरे उस पर जो नोटिस है पब्लिक की, ऑडियंस की, वो बढ़ने लग गई है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये हुआ है। आई डोंट नो कि हाउ इट हैपेंड, एंड एवरी डे द व्यूज़ एंड आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और हर एक दिन एक छोटा छोटा करके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। इसका कृपा है, गुरु माँ की कृपा है, उन्होंने मुझे कुछ उपाय भी बताए, और मतलब एक बहुत ही मुझे पॉजिटिविटी आ रही है कि रतन जो है हमारी इतनी मदद करते हैं। और अगर ये करते हैं तो हम अभी के तक क्या सो रहे थे? अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स जब तक हम से बिल्कुल थक नहीं जाते, हम तब वो रास्ता चुनते हैं कि हाँ हमें कोई सॉल्यूशन दे। अगर हम उनको शुरू होने से पहले ही किसी की गुरु गाइडेंस ले लें या गॉड गाइडेंस ले लें, या हमें रास्ता मिल जाए, दिख जाए, तो हम तो कितनी आने वाली प्रॉब्लम्स को आने से पहले से ही बच जाएँ, और पहले से ही उन प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर दें। तो मैं उस हर इंसान को यही सजेस्ट करूँगी कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, जैसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप एक बारी गुरु माँ रुक्मणी से जिसे और गुरु रजनीश जी से अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिए। जिस तरह उन्होंने लाखों करोड़ों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उसी तरह उन्होंने मेरी भी प्रॉब्लम को समझा है, सॉल्व किया है, और आगे और भी मैं उनसे आगे गाइडेंस लेती रहूँगी। उसी तरह आपकी भी सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं के द्वारा और उनके उपाय से जल्द सॉल्व हो, ये मेरी इच्छा है। सो आपको किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दो राय लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब इन चीज़ों से असर हुआ है तो आपको भी ज़रूर होगा, ये मैं आशा करती हूँ। और मेरा गुरुजी को और गुरु माँ को कोटि कोटि धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। मैं सच्ची बताऊँ, मैं इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती, पर इनके यहाँ मैं जाके इतना मुझे कृपा महसूस हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आई एम स्पीचलेस, और बस इससे आगे कुछ नहीं, आप खुद जाइए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। जय शनिदेव। बात करते हैं किसी असामयिक यात्रा की, कोई ससुराल की तरफ से मिली खबर के कारण कोई यात्रा करने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है, किंतु हम आपसे कहेंगे कि इस समय आप बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। बात करते हैं कार्यस्थल की, तो कार्यस्थल पर जैसा कि आपको बताया, भाई बहनों का आशीर्वाद लेकर, उनकी सलाम मानकर, उनकी शुभकामनाएं लेकर आप जितना चाहे तरक्की करने का प्रयास करिए, कि शुभ खबर आपकी प्रतीक्षा कर रही है कार्यस्थल पर। जिनके पास अपना मकान नहीं है, अपनी दुकान नहीं है, अपना ऑफिस नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, गोडाउन नहीं है या शोरूम नहीं है, या अपनी कार नहीं है, मतलब अपना वाहन नहीं है, ऐसे सभी व्यक्ति जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, प्रयास करने के बाद भी वो इन समस्याओं से निजात नहीं पा रहे हैं, किराया दे देकर दुखी हैं, ऊपर से जो मकान मालिक है वो बार बार धमकी देता है मकान खाली करने की या किराया बढ़ाने की, तो ऐसे केस में आप लोग जो घर में इनकम के सोर्स हैं, उन लोगों की जन्म कुंडली अवश्य ही देखी जानी चाहिए कि किस ग्रह दोष की वजह से उनको अपने मकान की प्राप्ति नहीं हो रही, और उन ग्रह दोषों को कैसे दूर किया जाए ताकि वो अपना मकान, दुकान, फैक्ट्री, शोरूम, गोडाउन, वर्कशॉप इत्यादि जो भी वो लेना चाहते हैं उसको खरीद सकें और किराएदारी के झंझट से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। बात करते हैं आमदनी की, तो आमदनी के सितारे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस समय, आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपकी आमदनी में अड़चन आ रखी है,
आपके आमदनी वाले ग्रह आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसी कोई कार्य ना करें जिससे आपको अपनी आमदनी में और अधिक नुकसान उठाना पड़े। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, सिंह राशि वाले वो व्यक्ति जिनकी शादी की उम्र निकली जा रही है, रिश्ते वाले आते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी अंकल आंटी कहते छेड़ने लगे, तो ऐसे सभी युवक युवतियों को और उनके माँ बाप को समझ लेना चाहिए, अगर बार बार एक ही घटना होती है तो इसका मतलब आपके ग्रह दोषों में अवश्य ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने ग्रह दोषों का निराकरण करवाइए, और उसमें आपको कोई भयंकर या पूजा पाठ का प्रपंच नहीं है, इसमें कोई आपको बलि नहीं देनी है बकरों की, मुर्गों की या उल्लू की। छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो आपके हाथ में ही रहने हैं, उन उपायों के द्वारा आप इन ग्रहों को ठीक कर शीघ्र ही शादी का लड्डू खा सकते हैं, यानी कि जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। और बात करते हैं सिंह राशि वालों की प्रेम संबंधों के बारे में, तो प्रेम संबंधों में सिंह राशि वाले स्पष्ट रूप से समझ लें उनको कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, उनके प्रेम संबंधों को खराब कराने के लिए। शायद हमारी नजर में तो यह है कि यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ इत्यादि का सहारा लेकर आपके प्रेम संबंधों को कोई ना कोई व्यक्ति खराब करने का प्रयास कर रहा है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। बात करते हैं उन युवक युवतियों की जिनके प्रेम संबंधों में अड़चन आ रही है, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, एक दूसरे पर शक होने लगा है कि उनकी जिंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर गया है, या उनमें से एक जना शादी के लिए ही तैयार नहीं हो रहा, या वो बहुत रूडली बिहेव करता है, या वो उससे बात ही नहीं करना चाहता, उसका उससे मन भर गया है। तो ऐसी सभी स्थितियों में अपने प्रेम संबंधों में दोबारा प्राण फूकने के लिए, दोबारा उनको जीवन प्रदान करने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा इन संबंधों को दोबारा मजबूती प्रदान करने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। इसमें आपको कोई बकरों की बलि नहीं देनी है, कोई मुर्गों की बलि नहीं देनी है, कोई उल्लू की बलि नहीं देनी है, कोई पूजा पाठ का प्रपंच या ढोंग नहीं करवाना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपाय जो आपके हाथ में ही रहने हैं, उन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में अपने प्रेम संबंधों में आनंद का अनुभव कर सकते हैं, खुशियों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।